As I wake up every morning, I wish the day would end. Because a day without you in. Hello friends, good morning, welcome back to my channel. मैं हूँ आरजू और आज है मंडे. आज मैं अपना वीडियो जो है वो सुबह 9 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ. ये है अभी बाहर का नज़ारा, तो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ. तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे और आज मैं क्या क्या करती हूँ आपके साथ शेयर करूँगी. मैं जा रही हूँ किचन में. तो ये किचन में यहाँ पे कुलविंदर बर्तन धो रही है और मैं यहाँ पे टमाटर प्याज वगैरह कट करके रख लिया है, चूँकि आज शाही पनीर बनाने वाली हूँ और उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर भी करूँगी. तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन लिया है, इसमें पहले से ही मैंने थोड़ी सी पनीर को फ्राई किया था इसलिए उसमें चिपक गया है. तो वही उसके बाद मैं गर्म होने के बाद घी को उसमें प्याज डाला. इसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी और इसके बाद टमाटर डाल करके थोड़ी देर भून करके फिर इसको निकाल दूँगी और जब ये ठंडा हो जाएगा इसको ग्राइंड करके अलग रख दूँगी. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste. अब बारी है जो मैंने बोला था कि दो पैकेट था पनीर का, एक पनीर जो है वो हल्का सा टूट गया था, वो दूसरा कढ़ाई गंदा हो गया था वही आपने देखा. और ये मैंने फिर से दूसरा पैकेट डाल करके पनीर को फिर से फ्राई किया. थोड़ा सा काजू और ये आलमंड डाल करके इसको भी हल्का सा भून लूँगी, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा. उसके बाद इसे भी ग्राइंड कर लूँगी. तो देखिए ये तल चुकी हूँ मैं, अब इसको भी अच्छे से ग्राइंड कर रही हूँ. ऑलमोस्ट मेरा सारा प्रिपरेशन हो चुका है. मैंने फिर से लिया ऑयल, इसमें डाला हींग, इसमें साबुत जीरा डाल रही हूँ, लाल मिर्च हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसलिए डाला है मैंने. उसके बाद प्याज टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट जो बना करके रखा था उसको ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से चलाऊँगी. मसाला मैं डालने की बारी है तो अब मैंने डाला हल्दी हाफ टी स्पून, फिर से लाल मिर्च, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, इसको फिर से अच्छे से मिला रही हूँ. यहाँ पे मेरे पास गरम मसाला ख़त्म हो चुका है तो यहाँ फिर से मैं थोड़ा सा किचन किंग हाफ टी स्पून डाल रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी में इसलिए मैं इसको ऑलवेज डालती हूँ. इसमें मैं कोई भी दही भी नहीं है घर पे और मलाई भी नहीं है तो मैं दही और मलाई कुछ भी नहीं ऐड कर रही हूँ. फिर से वापस से जो मैंने काजू और आलमंड की पेस्ट बना कर रखी थी उसको भी ऐड कर दे रही हूँ. इस तरीके से ऐड कर देने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका, बनकर बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था. तो इस तरीके से अब फिर से मैं 10 से 15 मिनट तक इस तरीके से इसको चलाऊंगी जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए. अब फिर से यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ. प्याज टमाटर के डालते के टाइम में भी मैंने हाफ टी स्पून डाला था लेकिन अभी भी मैं थोड़ा सा हाफ टी स्पून नमक डाला है. तक ये मसाला भून कर रेडी होगा
मैं यहाँ पे जीरा राइस बनाने जा रही हूँ। तो कुकर मेरा गर्म हो चुका है, इसमें 2 टेबलस्पून मैंने घी डाला। वन पिंच हींग डाला है, साबुत जीरा, इसमें हरी इलायची 2 कूट कर डाला है, इसमें आप दालचीनी भी डाल सकते हैं। नमक डाला और जो चावल धो करके मैंने आधे घंटे पहले रखा था उसको भी ऐड कर दे रही हूँ। 1 ग्लास मतलब चावल है तो मैं 1.5 ग्लास पानी डाल रही हूँ इसमें। बहुत ही शॉर्टकट बना रही हूँ लेकिन ये खाने में बहुत यम्मी लगता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो देखिए इस तरीके से ये बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं कुकर ढक्कन लगाकर 2 सीटी लगाऊंगी, 1 सीटी हाई फ्लेम पे, दूसरी सीटी स्लो फ्लेम पे। उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और मेरा जीरा राइस भी इधर रेडी हो चुका है। और अब चलते हैं फिर से पनीर को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पनीर मेरा, देखिए ऑयल सेपरेट होने लगा है, तो ऑयल पूरी तरह से अलग हो चुका है, दिख रहा है मसाला भून चुका है। अब इसी स्टेज पे मैं यहाँ पे डालूंगी 1 ग्लास पानी, क्योंकि चावल के साथ खाना है तो ग्रेवी थोड़ी सी मैं पतली रखने वाली हूँ। तो यहाँ पे 1 कप डाला, फिर से 1 कप डाला है मैंने पानी, टोटल 1 ग्लास ऑफ वाटर मैंने डाला है। फिर से यहाँ कसूरी मेथी डाल रही हूँ, चूँकि धनिया पत्ती अगेन नहीं है मेरे पास, तो कसूरी मेथी को इसी तरह से क्रश करके मैं डाल रही हूँ। इसे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। यदि आपके पास धनिया पत्ती नहीं है तो कसूरी मेथी डाल सकते हैं, और कसूरी मेथी के साथ साथ आप धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं। तो अब देखिए, अब इस तरीके से मैंने सारे पनीर को ऐड कर दिया है और इसको मैं धीमी आँच पर स्लो फ्लेम में मैं इसको 5 मिनट तक फिर से पकाऊंगी। उसके बाद मेरा अगेन कंप्लीट हो चुका है, शाही पनीर बनकर रेडी है। मेरे कढ़ाई के ब्लैकनेस को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत पुराना कढ़ाई है, जब शादी भी नहीं हुई थी उसी समय से मेरे हस्बैंड इसको यूज़ करते आ रहे हैं, इसलिए ये देखिए इसमें बॉयल आ चुका है। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग इन्जॉय करते हैं अपने लंच को। देखिए कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल लंच है, शाही पनीर, जीरा राइस और कुकुम्बर को कट कर लिया है, बस। आप देख सकते हैं बहुत ही यम्मी बना है, खाने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा, बहुत ही छोटा सा वीडियो है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरी आज की रेसिपी। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।